एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो हमें अगर आपको मैथ्स के पेपर की तैयारी करनी है और अगर आपको मैथ्स के पेपर में कोई भी मैथ्स के चैप्टर अगर आप मैथ्स का एक चैप्टर है एलसीएम, अगर आपको उसमें भी कोई भी परेशानी हो रही हो तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है। और अगर मैं आपको मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स का ना वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और अगर आपको एचसीएफ देखना है तो आप मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में, ठीक है। और आप कमेंट्स तो बंद है अभी, तो आप ना लाइक करके बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है ना। अगर आप लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि अगर आपको एचसीएफ का वीडियो चाहिए, ठीक है। और एचसीएफ का जब आप फिर मैं ना आपको एचसीएफ का पार्ट टू बना के दे दूँगी इसका, ठीक है। तो चलो अभी ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लाइक मैं ना एक वो बनाती हूँ डायग्राम, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डायग्राम बना लिया, ये देखिए ये रहा, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक मैंने ना इसको टू नंबर्स का बनाना है, ठीक है। तो टू नंबर्स हम जैसे कि ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं 12 और 8 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 12 और 8 ले लिया हमने। अब बताना है इसमें ना इस वे में होता है ये, हमें ना इसको ना डिवाइड के वे में होता है ये, ठीक है। तो ये डिवाइड के वे में ही होगा, ठीक है। तो अब बताना है कि 12 और हम आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा 1 से 2 है, वो सॉरी 1 है, लेकिन 1 से तो हर नंबर कट जाता है ना, लेकिन हमें ना डिवाइड करना। और 1 से तो हर नंबर कट जाएगा, इसलिए हम 1 लेने वाले नहीं हैं, तो हम 2 ही लेंगे, ठीक है। अब 2 से देखते हैं कट रहा है या नहीं। हाँ, ये हमने जब हमने ये नंबर लिया तो ये नंबर कट रहा है 2 से, ठीक है। तो करते हैं इसको, काटते हैं पहले 2 से काटते हैं। तो 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ। कितनी बार पढ़ने पर आता है 12? 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 6 × 12 है ना, 2 6 बार पढ़ने पर आता है 12, ठीक है। तो अब 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है। कितनी बार पढ़ने पर आते हैं 8? आपको पता है कि 4 बार पढ़ने पर आता है ना। अब बताना है कि ये किससे कट रहा है, ये भी हमारा किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना। तो चलो इसको 2 से भी काटते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा फिल कर दिया। अब ठीक है, तो ये इस वे, तो चलिए इसको काटते हैं। हाँ, ये 2 के टेबल से भी कट रहा है, तो 2 6 कितने बार पढ़, 2 6 2 के टेबल में कितनी बार पढ़ने पर आता है 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 3 × 6, ठीक है। सो ठीक है, और 2 4 2 सॉरी ये 4 जो होता है 2 के टेबल में कितनी बार पढ़ने पर आता है, 2 बार पढ़ने पर आता है ना, 2 × 2 × 2 × 4, ठीक है। तो सॉरी, हमने तो यहाँ पे 2 को ऐसे काटा था ना, इसको यहाँ पे भी ऐसे करके लिख दिया हमने इसे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इसमें कि सो अब आप सोच रहे होंगे कि अब इस इन दोनों को कैसे काटें, तो दोनों मतलब एक तो ऑड है दूसरा इवन है ना। अब क्या करें, अब इसमें आपको क्या करना, सबसे इजी वे है ये, तो हमें क्या करना है, हमें ना पहले तो यहाँ तो हमें 1 लिखना है, सॉरी यहाँ हमें 3 लिखना था, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। ये आप 3 लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको करेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आइए अब इसका आगे करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। 2 के टेबल में 2 कितनी बार पढ़ने पर आता है, 1 बार पढ़ने पर आता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में क्या, अब तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा 3, ठीक है। 3 बार काटने, तो ये आपका 3 से भी कट रहा है, राइट। तो 3 के टेबल में 3 पढ़ो तो कितनी बार पढ़ने पर आता है, 1 बार पढ़ने पर आता है ना। और अगर यहाँ वे 1 तो यूँ ही उतार लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको जब तक नहीं रुकना है जब तक यहाँ पे आपका 1 उतरना है, ठीक है। यह हो गया हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट। ये हो एक मिनट, हमारा एक चीज़ तो हम भूल ही गए, हमें तो इसमें एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम ऐसे तरह, सो आपका एलसीएम ना ये है, ठीक है, ये
ठीक है, तो अब इस तरह लिखिएगा यहाँ पे, टू मल्टीप्लाई थ्री, और इस तरह करते हैं, टू वन द टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, सॉरी फोर, हाँ फोर टू ज़ा एट, और एट थ्री ज़ा 24, राइट। तो यहाँ 24 लिखेंगे, ठीक है, आ गया ना आपका यह आंसर, ठीक है। सो अभी हमारा एलसीएम का जो फॉर्मूला था अब वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ना सेकंड फॉर्मूला, सेकंड वे बताती हूँ एलसीएम निकालने का। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया ना हमारा कंप्लीट। तो ये मैंने एक ये एलसीएम निकाल लिया, अब मैं आपको सेकंड वे बताती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ मैंने ना एक सम ले लिया है 2 और 5, ओके। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका टेबल लिखना है, ठीक है। तो इस तरह लिखिएगा आप, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। मैं आपको पूरा टेबल लिखने के बाद दिखाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स सोचते सोचते मेरे को एक बात याद आई, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए 5 का टेबल होता है ना, ये बहुत लंबा लंबा तक जाता है, 50 तक होता है, और ये होता है सिर्फ 20 तक, ठीक है। तो मैं ना इसको आगे तक लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपका टेबल छोटा, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो फिर आप उसे लंबा से लंबा लिख दीजिएगा, या फिर अगर मैं इस तरह यहाँ लिख देती, जैसे कि मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, अगर मैं आपको इस तरह लिख देती यहाँ पे, सॉरी जो एंड आएगा, ठीक है, अगर इस तरह लिखती तो फिर भी आपको ये वाला तो लिखते ही लिखते इसको आप लंबा लंबा लिखते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने छोटा लिया, और ठीक है आपको हर तरह से ऐसे ही होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने ना उतार लिया है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमें ना इसका ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो हमें ना ढूंढना है कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं हमें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 5 तो है ही नहीं, इसमें 10 है, हाँ 10, देखो 10 से हो रहा है, तो हम सर 10 को सर्कल कर देंगे, और ये वाला जो 10 है ना, ये वाला इसको भी सर्कल कर देता है, ठीक है। 15 नहीं, 20 आ रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को, इसको भी सर्कल कर देता, 25 नहीं, 30, हाँ 30 आ रहा है इसमें। तो ये देखिए ये दोनों तो आ गए है ना। तो इसमें देखिए इसमें कितने नंबर्स निकले, इसमें 3 नंबर्स कॉमन निकले, 10 20 और 30, ठीक है। तो इस तरह इसको इस तरह लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, ओके। तो 10 ओके, यू विल टेक आउट लाइक दिस, ओके। सो दीज आर 2 फॉर्मूलाज, ओके। सो दिस इज फॉर्मूला 1 एंड दिस इज फॉर्मूला 2। सो आर वीडियो इज नाउ क्लोज। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।